हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट इंडियन नेवी की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो मल्टी पोस्ट की आपकी वैकेंसी हैं वो आपके यहाँ जारी कर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी सिविल लाइंस एंट्रेंस टेस्ट 01/2024 के लिए आपकी वैकेंसी हैं वो जारी हो गई हैं। तो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ग्रुप बी और सी के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है, जिसकी साइंस असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी जारी की गई है। आपके यहाँ पे जो वैकेंसी है आपके ड्राफ्ट की जारी की गई है, आपके फायरमैन की वैकेंसी जारी की गई है, फायर इंजीनियर की आपकी वैकेंसी जारी की गई है, ट्रेसमैन मैट की वैकेंसी जारी की गई है, पेस्ट कंट्रोल की आपकी वैकेंसी, कुक की वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये सभी वैकेंसी आपके यहाँ जारी की गई है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो भी आपको यहाँ बता के रखी है। तो आप इसमें अपनी जो वैकेंसी वाइज आपकी जो क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, इससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सही जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आप आ गए हैं। इंडियन नेवी का ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे आपको इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, इन्हें आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपकी कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकली उन्हें आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उसके आपको एंट्री करनी होगी, कैप्चर कोड आप भरेंगे, इसके बाद रजिस्टर पे आप क्लिक कर देंगे। जब यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको अपनी जो ईमेल आईडी है उस पे आपको एक एक्टिवेट लिंक गया होगा, उससे आपको अपनी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी होगी। इसके बाद आपको जब ये पासवर्ड आपको गया है और आपने वेरीफाई यहाँ सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई आपको कर लेना है, कैप्चर को भरना है। कैप्चर को भरने के बाद आपको यहाँ पे एक आपको ओटीपी जो आपके मोबाइल पर आया है उसे आपको वेरीफाई यहाँ कर लेना है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई आप कर लेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है 6 डिजिट का, वो आपको एंटर करना है। एक न्यू जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। 8 से 20 कैरेक्टर्स में आपको ये अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स में पासवर्ड बनाना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में ये पासवर्ड है, हमने आपको बनाया हुआ है। तो इसे आपको, इस टाइप का आपको पासवर्ड बनाना है। इसे सैंपल के तौर पे हमने आपको बताया, आपको अपना एक्चुअल जो पासवर्ड है जो आपको याद रह सके ऐसा पासवर्ड आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बनाना है। आपको पासवर्ड रीटाइप करना है, उसके बाद कैप्चर को भरना है, सबमिट आपको कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको अपना जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपको यहाँ पासवर्ड आया है वो आपको यहाँ एंटर करना है, कैप्चर को भरना है, लॉगिंग आपको कर देना है। लॉगिंग करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो सभी आपको यहाँ पोस्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो आप ग्रुप बी के लिए आप यहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं तो सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। ग्रुप सी के लिए आप जो भी यहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं वो आपको पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रेसमैन मेट की जो फॉर्म है इसके बारे में बताए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसे ही और भी जो यहाँ पे पोस्ट हैं उनकी क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देना है कि जो भी यहाँ पे रिक्वायर आपकी डिटेल है आपने रीड कर ली है, आपके पास है। तो आपको अगर आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे, इसके बाद आपका जो भी टाइटल नेम है वो आप यहाँ उसके आप एंट्री करेंगे, आपका जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है उसकी एंट्री करने के बाद कन्फर्म आप इसे करेंगे, कन्फर्म करने के बाद आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, कन्फर्म करेंगे लास्ट नेम, और इसके बाद कंफर्म आप यहाँ पे लास्ट नेम को कर देंगे। जो नेम है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना होगा। आपका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने नाम कभी चेंज करा है, आप यस करते हैं तो आपने क्या नाम चेंज करा है वो आपको यहाँ एंटर करना है। आपने अगर नाम चेंज नहीं करा है कभी तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका फादर का जो नेम है तो आपका फुल फादर का नेम आपको यहाँ एंटर करना है, आपके मदर का नेम की आपको एंट्री करनी है, और इन दोनों को ही आपको यहाँ कन्फर्म करते जाना है। डाटा सिर्फ सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जैसे कि यहाँ पे जो भी आपके यहाँ कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा, वो आपके पास होना चाहिए। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जगह अगर आप यहाँ पे एससी में आते हैं
हैं या आप ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो भी अदर आपकी जो भी यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड यहाँ करने होंगे। तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे आप ओबीसी से करते हैं, आपका जो भी यहाँ आपका जो फॉर्मेट यहाँ मांगा गया है तो इसके लिए आपको यहाँ आना होगा। और आपका जो ओबीसी आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और आपके सामने जो आपका यहाँ फॉर्मेट है जो आपको यहाँ भरना होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो आपका जो भी कैंडिडेट का नाम है, डिटेल है, वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो सारी डिटेल आपको यहाँ दे के रखी है। तो आपका नाम है, आपके जो फादर नेम है, आपकी जो भी यहाँ पे सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उसकी आप एंट्री करेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जो प्लेस है, डेट है फॉर्म भरने की, सिग्नेचर, सभी डिटेल आपको यहाँ फिल कर देनी होगी। इसे आप यहाँ अप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर ओबीसी में है तो आप ओबीसी करेंगे, अगर आप यहाँ एससी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो भी एससी की डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी यहाँ पे रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ डिसेबल पर्सन है, यस करते हैं, तो उसकी डिसेबल कैटेगरी है तो आप उसकी डिटेल यहाँ डालेंगे। तो आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज है, और अपलोड आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड आप करेंगे। और आपका यहाँ पे अगर आप स्काइप चाहते हैं इसमें आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पे डिसेबल कैटेगरी नहीं आते हैं, नो करेंगे। इसी तरह अगर आप एक्सेसमैन हैं, आप यस करते हैं, तो आपका एक्सेसमैन आपकी डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी, नहीं है नो करेंगे। डिफेंडेंट पर्सन है तो आप यस करते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड आप करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल पर्सन है, यस आप करते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप एंटर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपका जो भी स्पोर्ट्स का नेम है, आपका जो स्पोर्ट्स लेवल है और आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे। आपका जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का आपका यानी कि आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड आप कर सकते हैं। आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज आपको देखे रखी है 6 महीने पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो फोटो का साइज है वो आपको यहाँ पे 20 से 50 के भी होना चाहिए। इसी तरह आपके सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना है, ब्राउजर पे जाना है, अपलोड आप इसे कर देंगे। तो आपको अपनी सारी जो डिटेल है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है और आपको अपलोड करने का नेक्स्ट पे जाना होगा। जो आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आपको जो भी आपकी नेशनलिटी है सेलेक्ट करेंगे, आपका रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो इसके लिए आपको 2 लाइन दे के रखी है। तो आपको अपनी बॉडी पे अगर कोई विजुअल मार्क्स है तो आप उसकी एंट्री यहाँ कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ 9 मार्क्स आप यहाँ कर देंगे। तो अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी एंट्री करेंगे, नहीं 9 मार्क्स करने के बाद आपको यहाँ पे आपका चूज ऑफ आपकी जो यहाँ पे पोस्टिंग है वो आपको एंटर कर देनी है। तो आप यहाँ पे आपको यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो अपनी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। सेव आप करेंगे, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। तो आपको इसके लिए गूगल से आपको यहाँ परमिशन है, गूगल से परमिशन लेनी होगी और आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे कैमरा है आप उसको यहाँ ऑन कर देंगे। इसे आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं वो आपको फॉलो करते जाना है कि फेस स्ट्रेट होना चाहिए, बैकग्राउंड है वो आपका क्लियर होना चाहिए, कोई भी आपकी यहाँ पे कटी फटी फोटो नहीं होनी चाहिए। सभी इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है और आपको 4 आपकी फोटो है वो आपको यहाँ क्लिक करनी होगी और आपको वैलिडेट एंड सेव आपको फोटो यहाँ क्लिक करने के बाद ले लेनी है। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको फोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। जो फोटो है वो आप जब यहाँ ले लेंगे, इसके बाद वैलिडेट एंड सेव आप यहाँ कर लेंगे। वैलिडेट सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो अदर आपकी जो डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपको यहाँ पे 2 लाइन दे के रखी है तो आपको इसकी एंट्री कर देनी है। इसके बाद आप इसके यहाँ एंट्री कर देंगे, आपका जो भी स्टेट यूटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपका जो सिटी का नेम है वो आपको एंटर करना होगा। आपका जो पिन कोड नंबर है उसके आप एंट्री करेंगे। अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे, सेव आप कर लेंगे, ओके आपको करना होगा। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे आपके पास है, आप यस करेंगे, नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी 10th है तो आपका स्ट्रीम आप सेलेक्ट करेंगे, आपका बोर्ड का नेम, आपकी यहाँ डेट ऑफ पासिंग है वो आप सेलेक्ट करेंगे। पासिंग सेलेक्ट करने के बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर है 10th का उसके आपको एंटर करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 है, आपके परसेंटेज सिस्टम है सीजीपीए है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपकी परसेंटेज है तो आपकी जो भी
टॉप 10 मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, उनकी आप एंट्री करेंगे, आपकी जो परसेंटेज है आप डाल देंगे, आपका क्लास ग्रेड रहा है वो आप एंटर करेंगे, जो भी यहाँ पे 10th का आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसको आपको अपलोड करना है, जिसकी साइज आपको 50 से 200 के में बता के रखी है, अपलोड कर देंगे, प्लस पे आप क्लिक करेंगे ऐड करके आपकी जो भी यहाँ पे आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अदर क्वालिफिकेशन है उसकी आप एंट्री कर देंगे। जैसे कि आपने ITI कर रखी है, आपका स्ट्रीम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका ITI का जो बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आपकी डेट ऑफ पासिंग है ITI की वो आप डालेंगे, आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है ITI का वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज है या आपका CGP है तो जो भी है वो आप एंटर करेंगे, आपके ऑफ 10 मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज डाल देंगे, आपका ग्रेड सेलेक्ट करेंगे और आपका जो मार्कशीट है या आपका सर्टिफिकेट अपलोड करके ऐड पे जाके आपकी जो भी अदर यहाँ क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो भी अदर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है उसको भी इसी तरह आपको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो आपकी जो भी यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने यहाँ पे अदर कोई आपने क्वालिफिकेशन 12th कर रखी है, आपने डिग्री कर रखी है, तो जो भी है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जब आप सेव एंड प्रोसीड पे सब डिटेल पढ़ने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे आपके कोई एक्सपीरियंस डिटेल है तो उसको आप फिल कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड आप करेंगे। इसके नहीं है आप सिंपली इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके यहाँ प्रेफरेंस आपसे मांगी गई है एग्जाम की सिटी प्रेफरेंस वो आपको यहाँ देनी होगी। तो 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, या आपको यहाँ सिटी प्रेफरेंस है वो आपको चूज कर लेना है। जब सिटी प्रेफरेंस आप चूज कर लेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपका जो प्रिव्यू है आपको देखने को मिल जाता है। आपको अपना प्रीव्यू है अच्छे से आपको चेक कर लेना है, अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, कोई गलती है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके इसे सही कर सकते हैं और सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। जब सबमिट एप्लीकेशन यहाँ करेंगे तो आपको आपका जो फॉर्म है फाइनली आपको यहाँ सबमिट देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे प्रिंट के लिए व्यू एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है, आपका स्टेटस है, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी फ़ीस लगती है तो आपको यहाँ पे आपके बैंक के पोर्टल पे आपको जाना होगा नेट, और आप अपनी जो यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप अपनी जो पेमेंट है करना चाहते हैं तो आप अपना पेमेंट है वो आप जमा करवा देंगे। अगर आपकी फ़ीस नहीं लगती है सीधे ही आप प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिलता है। आप इसी तरह यहाँ पे अगर आपकी और कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।